नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के पहले सेशन के दूसरे ट्यूटोरियल में। आप सभी ने हमारे पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में देखा होगा कि हमने किस तरीके से अपने बैकग्राउंड को हमारे इलस्ट्रेशन के लिए तैयार किया था। तो आपने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ इस टाइप से एक क्लाउड बनाया था, उसे हमने डुप्लीकेट करके दूसरी साइड लगाया, कुछ पहाड़ बनाए थे, सॉइल बनाया था और एक ट्री ड्रॉ किया था हमने बेसिकली। और वीडियो के इस पार्ट पर हम आपको यहाँ पर जिस तरीके से आपको ये एक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है जिसमें आप डैम का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहा है, तो हम वो ड्रॉ करने वाले हैं अपने वीडियो के इस पार्ट में। वीडियो अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ जो हमने पहले ट्यूटोरियल वीडियोज में मिस की थी। हम पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में अगर हमने कुछ ड्रॉ कर लिया, अब हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो हमारे पास उसके लिए कहाँ से ऑप्शंस हमें मिलेंगे तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर कोई इलस्ट्रेशन आपने ड्रॉ कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप उसे सेव कर लें, तो उसके लिए आप फाइल पे जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए। मेरे भी सेव का ऑप्शन अनेबल नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले सेव किया हुआ है। आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए, मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेम यही आपका एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पर आप इसे अगर अपने हिसाब से किसी लोकेशन में आप ले जाकर वहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से, रीनेम वगैरह करके। एक बार आप कहीं लोकेशन पे सेव कर देते हैं तो डायरेक्ट आप इस सेव वाले बटन पे क्लिक कीजिए। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका फाइल फॉर्मेट TIFF फाइल फॉर्मेट में हो। TIFF फॉर्मेट आपका सबसे सही फॉर्मेट है, इसमें आपकी जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ पे वो सारी प्रिजर्व रहेंगी और आप उसे इन फ्यूचर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लेयर्स को यूज़ करके कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो हम जब तक हमारा प्रोसेस रहता है तब तक हम इसे TIFF फॉर्मेट में ही रखते हैं। तो ये सब एक बार सारा आप वो कर दें तो उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वीडियो इमेज सेव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कुछ ड्रॉ किया और आप सेव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल एस कीबोर्ड की मदद से इसे एक बार इस तरीके से सेव कर सकते हैं। या आप चाहें तो आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो आपको बार बार लोकेशन पे जाकर वैसे सेव नहीं करना पड़ेगा, आप कंट्रोल एस दबाइए या फाइल में जाके सिर्फ सेव पे क्लिक करके वो आपका उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट कर लेगा आपकी जो भी आपने चेंजेस किए। ठीक है, हाँ, हमने अभी पिछले ट्यूटोरियल में ट्रीज को हमने अलग अलग इस तरीके से हमने अलग अलग लेयर्स पे ड्रॉ किया था। अब हम चाहते हैं कि ये सब एक ही लेयर्स पे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इस ट्री की जो पहली लेयर है जो हमने ग्रुप बनाया था उसे मैं खोल देता हूँ और उसके अंदर जो मेरा पहला वाला पार्ट है ट्री का, जो लीव्स वाला पार्ट है उसको पकड़ के और लास्ट वाले बॉटम वाले को पकड़ के शिफ्ट की मदद से शिफ्ट की को कीबोर्ड में दबा कर जब लास्ट वाले बॉटम वाले जो हमारे ट्री ट्रंक वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पर जब क्लिक करूंगा, उस लेयर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा चारों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये चारों लेयर एक साथ सेलेक्टेड है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो ब्लू कलर के बॉक्सेस आपको इसके चारों तरफ दिख रहा है, इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि ये चारों सेलेक्टेड है। अभी अगर मैं सिर्फ इस पे करता हूँ तो वो बॉक्स इसके बाउंड्री के बाहर आता है। जब मैं चारों को शिफ्ट की प्रेस करके चारों को सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि चारों के साइड में ये ब्लू बाउंड्री आई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हें मर्ज करना है। तो मर्ज का ऑप्शन हमारे पास कहाँ से आएगा, आप यहाँ पे जाइए लेयर मेन्यू पे और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स जिससे आप डिलीट और रीनेम वगैरह करते थे वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसी डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे मर्ज लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे जो भी आपने सेलेक्टेड जो भी आपने लेयर सेलेक्ट किए होंगे वो सारी लेयर्स अपने आप मर्ज रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका ट्री लीव्स करके एक कंपाइल्ड वीडियो कंपाइल्ड इमेज बन चुका है एक सिंगल लेयर पे। अब आप इसे ऑन ऑफ करके देखेंगे तो एक सिंगल लेयर पे ये आपका दिखाई देगा। आप इसे रीनेम कर सकते हैं, मैं वही लेयर मेन्यू पे जाके इसे रीनेम कर देता हूँ। अभी लीव्स आ रहा है तो मैं इसे ट्रीज करके और सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब ये सिर्फ ट्री है। अब आप चाहें तो इसे ट्रांसफॉर्म करके आप अगर एडजस्ट करना है तो आप ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाकर इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना है। अब आप इसके डुप्लीकेट बना के दो तीन चारों तरफ से फैलाना चाहते हैं, एक छोटा सा जंगल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो आप अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं पेड़ों को या फिर कुछ भी आप करना चाहें तो अब आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, हमने ये सब तो कर लिया। अब हमें इस वीडियो में जो हमें मेन हमारा टास्क था उसे कंप्लीट कर लेते हैं।
हमें इस वीडियो में ये जो डैम का स्ट्रक्चर था ये तैयार करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पिछले वीडियो में हमने इसी इसी टूल की मदद से हमारा जो ये सॉलिड वाला पार्ट है ये बनाया था। तो उस टूल का नाम है ड्रॉ स्टाइल टूल। ड्रॉ स्टाइल टूल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चार छोटे छोटे चार और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब उन ऑप्शंस में हम पॉलीलाइन की मदद से एक शेप तैयार करेंगे जिसमें हमारा ये डैम का स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, नए लेयर लेके उसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए मैं लेयर मेन्यू पे गया, ये राइट कॉर्नर पे जो हमारा तीन लाइंस आपको देखने को मिल रही है उसे रीनेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके इसे डैम लोअर स्ट्रक्चर और सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसे डैम लोअर स्ट्रक्चर के नाम से एक नया लेयर बना दिया। अब मैं यहाँ पर पॉलीलाइन की मदद से जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप सभी को। मैं यहाँ पर ड्रॉ स्टाइल टूल पे गया, ये आपको हमें फिफ्थ ऑप्शन मिलेगा राइट साइड से, उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो हमें और ऑप्शन मिलते हैं उसमें से फोर्थ वाला ऑप्शन पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके मैं ये जो डैम का स्ट्रक्चर है तैयार कर लेता हूँ। तो उसके तैयार करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ और अब हम इस तरीके का शेप बना लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये इस टाइप का हमने एक शेप बनाना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेफ्ट माउस क्लिक की बटन से एक टैप यहाँ पे दबाऊंगा, एक स्लांट सा इस टाइप का यहाँ पे एक वो बनाऊंगा और फिर इसे यहाँ पर ले जाकर इस तरीके से एक टैप यहाँ करूंगा, एक टैप यहाँ, फिर टैप नीचे, फिर एक टैप आगे, फिर एक टैप नीचे और इसे यहाँ तक इस तरीके से सीधा लेके आऊँगा और फिर एंड में इसे यहाँ पर ले जाकर ऐसे सीधा लाकर और इस पर यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं डबल टैप करता हूँ एंड पे, आप फिनिश करने के लिए इस पर डबल टैप करेंगे तो वो आपका लाइन फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ये फिनिश किया है तो यहाँ पर ये मेरा एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया जिसमें मुझे सॉलिड कलर फिर बीच में भरना पड़ेगा जिससे ये पूरा कंप्लीट सा लगेगा। तो अभी मैंने एक लाइन आउटलाइन तैयार कर ली है डैम के नीचे वाले स्ट्रक्चर के लिए। इस तरीके से एक बार आप भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्लड फिल की मदद से एक कलर इसके अंदर सॉलिड कलर फिल करने वाले हैं। तो सॉलिड कलर फिल करने के लिए मैं कोपिक लाइब्रेरी की मदद ले लेता हूँ जिससे मुझे कलर चूज़ करने में आसानी रहे। कोपिक लाइब्रेरी जैसे आप खोलेंगे आपको यहाँ पर जाना है, जो आप पेंसिल ग्रे कलर देखते हैं तो उसमें मैं C5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो ये कलर ले सकते हैं या आपको जो उस कलर सही लगे आप उस तरीके का एक कलर ले सकते हैं। तो मैं C5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सॉलिड शेप बना दिया हमने अपने डैम के लोअर स्ट्रक्चर के लिए। अब आप चाहें तो अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें स्ट्रक्चर को तो आप क्विक ट्रांसफॉर्म की मदद से और एंटायर लेयर की मदद से इसको पूरा एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफॉर्म में कहाँ से मिला, जो फ्लड फिल टूल है उसका एक टूल अगर छोड़ दोगे आप और उसके एक टूल छोड़ के लेफ्ट साइड पर जो भी टूल है वो क्विक ट्रांसफॉर्म टूल है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो पहला वाला तो रेक्टेंगुलर है, दूसरा लासो है, तीसरा एंटायर लेयर है। अगर ये आपको सेलेक्ट करके कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी तो आप उसके लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पूरी लेयर ट्रांसफॉर्म करनी है तो ये लास्ट वाले ऑप्शन की मदद से आप पूरी लेयर को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप यहाँ पे जैसे ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर को। एक बार ये हो जाने के बाद आप अब क्या करेंगे कि हम इसमें अब एक जो ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर है अब ये हम तैयार कर लेते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है। मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, इसे भी रीनेम कर देते हैं, डैम अपर स्ट्रक्चर नाम दे देता हूँ मैं इसे, डैम स्ट्रक्चर और ओके पे क्लिक कर दो। ये रीनेम मैं बार बार इतने सारी लेयर्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज करने में और अपने फाइल्स को सही तरीके से रखने में ताकि आपको
अगर कुछ भी ढूंढना है तो आप डायरेक्ट ऐसे सिर्फ आई बटन से आपको टॉगल करके ना ढूंढना पड़े, आप डायरेक्ट लेयर पे नाम पढ़ के उस पर जा सकते। अभी तो बहुत कम लेयर्स हमने बनाए हैं और हमने अच्छे से ग्रुप में अरेंज किया, तो इतना देखने में केयोटिक नहीं लग रहा है, वो देखने में इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। कुछ भी चीज़ आपको ढूंढनी है तो आप आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी को कॉम्प्लेक्स तरीके से बहुत सारी लेयर्स बनाई होती और आप ना ग्रुप करा होता ना रीनेम किया होता, तब आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती थी। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा लोअर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब हम अपर स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एक शेप तैयार कर लेते हैं। तो अपर स्ट्रक्चर के लिए मैं यहीं से एक शेप तैयार करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन बना ले लूँ, आप देख लीजिए कि इतना मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे से एक सीधी लाइन बनाऊंगा। मैं अपने ड्रॉ स्टाइल टूल एनेबल कर लेता हूँ और यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो अब मैं ड्रॉ स्टाइल टूल की मदद से वापस पॉली लाइन की मदद से वैसी स्ट्रक्चर शेप बनाने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने नीचे बनाया था। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे से एक स्ट्रक्चर शेप बना लूँगा इस टाइप का, और ये कुछ इस तरीके से सीधा आएगा, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर लेफ्ट, एक एक स्टेप्स मतलब छोटी छोटी सीढ़ियां टाइप की हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो बाद में से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके चल जाऊंगा, फिर स्टेप्स और एक फाइनल बड़ा स्टेप के साथ हम इसे फिनिश कर लेंगे। आप देख लीजिए कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो आप उसके आसपास इसे इस तरीके से छोड़िएगा। जैसे आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका शेप तैयार हो चुका है। अब वापस हम सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने नीचे किया था। मैं फ्लड फिल टूल की मदद से इसमें दूसरा कलर भर देता हूँ। तो दूसरा कलर C5 मैंने यूज़ किया था, आप भी C5 यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये शेप तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अब ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब आप ट्रांसफॉर्म वगैरह करना चाहें तो हमने उसके लिए आपको ऑप्शन बता दिया, आप उससे ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ कि अभी इसमें दो चीज़ें मेरी बची हुई हैं। एक आप ये जो बैराज, जो ब्लॉक जो पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा था, वो एक ये बचा हुआ है, और उसके पीछे का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पीछे जो उन दोनों को सपोर्ट दे रहा है, तो वो चीज़ें बना लेते हैं। इस बैराज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं ड्रॉ स्टाइल टूल जाऊँगा, ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ वापस, और इस बार मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के इस्तेमाल से एक इस तरीके का एक बॉक्स टाइप का बना दूंगा। तो बॉक्स को बनाने के लिए सिर्फ शेप बना दूंगा मैं इस टाइप का, और फ्लड फिल की मदद से इसमें एक कलर भर देते हैं। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अलग कलर भर सकते हैं ताकि अलग लगे उससे बाकी के हमारे इलस्ट्रेशन से। अब आप ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से, ट्रांसफॉर्म टूल बकेट टूल के एक टूल छोड़ के लेफ्ट साइड को क्विक ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा, और उसमें एंटायर लेयर को सेलेक्ट करके आप इसको छोटा बड़ा और पतला मोटा जिस टाइप से आप बनाना चाहें उस टाइप से बना सकते हैं। और ऐसे अगर आप घुमा के लगाना चाहें तो घुमा के भी लगा सकते हैं, मैं वही करने वाला हूँ। तो अब जब इसे क्लोज करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर क्लोज होगा, ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से इसको इसके बाद मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, और इस लेयर पे मैं यहाँ पे जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जो इसे कंप्लीट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वापस अपने ड्रॉ स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर आप पॉली लाइन के इस्तेमाल से इसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पॉली लाइन की मदद से एक, दो, तीन और चार, इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ, फिर मैं इसे वापस ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इसका शेप इस बार सही से लेता हूँ, यहाँ पे इतना लंबा है, फिर मैं से थोड़ा स्लांट ले लेता हूँ और सीधा करके, ठीक है ये बढ़िया है। अब मैं इसके अंदर कलर बकेट के मदद से C9 कलर, C5 कलर भर देता हूँ। ठीक है, मेरा इलस्ट्रेशन ऊपर वाले पार्ट का तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ
उसके लिए हमने एक चीज ये बनाया था, जो पानी के फ्लो के लिए जो टरबाइन को सपोर्ट करने के लिए हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक इस टाइप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर और एक इस टाइप का एक टरबाइन को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर। तो मैं नई लेयर ले लेता हूँ, इन लेयर्स को मैं मर्ज कर लूँगा बाद में, तो इन लेयर्स को ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो इस सी वाला शेप आप ये वाला शेप देख रहे हैं, ये शेप बना लेते हैं हम पहले। अगर आप इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स आपके पास आ जाती हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, हम ये आपको ऑप्शंस दिखा सकते हैं। लेकिन आप इन्हीं छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप इजीली बना सकते हैं, बस आपको उन शेप्स को बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना है। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइप का कोई आपके पास शेप होगा नहीं, लेकिन आप इसे ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको दो शेप देखने को मिल रहा है। एक आपके पास ये सर्कल देखने को मिल रहा है, सेमी, एक सर्कल की मदद से आप एक छोटे शेप को बना सकते हैं, और ऊपर ये एक स्क्वायर की मदद से, मतलब रेक्टेंगुलर कोई भी शेप, रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होगा तो उसकी मदद से आप इस रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्कुलर शेप को बनाने के लिए मैं वापस पॉलीलाइन की मदद ले सकता हूँ, और यहाँ पर ये ओवल शेप के इस्तेमाल करके हम एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस ओवल शेप को सेलेक्ट करूँगा, एक शेप ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें ब्लैक कलर वापस डाल देता हूँ। अब मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूंगा और शिफ्ट को जैसे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट इस तरीके से एक परफेक्ट सर्कल दे रहा है मुझे। तो मैं इसी टाइप का एक सर्कल ले लेता हूँ, इस टाइप से एक सर्कल ले लीजिए। अब हम एक नई लेयर और ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल की मदद से एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसी बड़े शेप, इतने ही बड़े शेप का। तो एक बार रेक्टेंगल बना दिया तो आप इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बराबर जितना आपको चाहिए उसके बराबर आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। एक बार एडजस्ट हो जाए फिर आप क्या कीजिए कि अब आप इन दोनों को मर्ज करना है आपको। मर्ज करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो ये शेप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये एजेस इस तरीके से कट से बना रखे हैं वो बना लेते हैं। कट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, या फिर आप पॉली लाइन की मदद से इसका, मैं चाहूंगा कि आप इसका ये इंटेंसिटी कम कर दें थोड़ी सी। तो अब आप इजीली से ड्रॉ कर पाएंगे। अभी मैंने थोड़ी बढ़ा दी है शायद, थोड़ा सा उल्ट हो गया। आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पर आप चाहें तो थोड़ा कम करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसे इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। और एक बार ये हो जाने के बाद आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दीजिए। अब मर्ज करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, आपको क्या करना है, दोनों लेयर्स को एक साथ शिफ्ट पकड़ के क्लिक करना है और लेयर मेन्यू में जाके मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों को मर्ज लेयर्स पर जाकर मर्ज करना है। अब आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि कितना आपका ये हो रहा है। अब मैं इरेजर की मदद से इसे इरेज कर दूंगा, ये इसे ऑफ कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूमिंग कर रहा हूँ माउस के कर्सर व्हील की मदद से, और यहाँ पर इसे इस तरीके से कंप्लीट इरेज कर लूँगा, जहाँ तक मुझे जितना शेप मुझे नहीं चाहिए उतना इरेज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये शेप इस तरीके से हो चुका है। मैं यहाँ से भी शेप को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे बारीकी से काम करेंगे तो आपका इरेज इजीली हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है मेरा इरेज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा शेप ऑलमोस्ट इसकी तरह दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसके अंदर कलर भर सकते हैं। कलर भरने के लिए बक फ्लड फिल, कॉपिक लाइब्रेरी, C5 और कलर फिल। ठीक है, एक बार कलर फिल करने के बाद आप इसे ट्रांसफॉर्म करके जहां आप लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। आप यहां पे लगाना चाहें यहां पे लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप आता है तो आप इस तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं कि अब मुझे इस स्ट्रक्चर को, इसका ये ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट हो चुका है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि ये ब्लैक वाले पार्ट में थोड़ा सा कलर आ जाए तो आप ब्लैक कलर लीजिए और बाहर पे जाके सिर्फ इसमें ऐसे कलर फिल कर दीजिए, तो आप थोड़ा मोटा हो जाएगा आपका ये शेप। ठीक है, ये ठीक है, बेटर है। अब मैं क्या करूँगा कि इसे बकेट को ऑफ कर लेता हूँ,
पेन चला के देख लेता हूँ कि इसका शेप कितना है, बड़ा है ये। ठीक है, इस शेप का हमने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर बनाए वो इसी शेप से बनाए थे। अब हमने येलो शेप तो बना लिया, अब हमें ये जनरेटर के कवरिंग के लिए एक शेप बनाना था, तो उस शेप को एक बार इलस्ट्रेट कर लेते हैं। मैं प्लस से ऐड लेयर पे क्लिक करता हूँ, एक नई लेयर ले लेता हूँ और जनरेटर कवर तैयार कर लेता हूँ अपना। तो जनरेटर कवर करने के लिए आप सिंपल वही कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर पॉली लाइन की मदद से इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉली लाइन की मदद से एक शेप बना लूँगा इस तरीके से, सीधा फिर राइट जाके फिर नीचे आके एक टैप, फिर छोटे से गैप में इस तरीके से इस तरीके से, और एंड में इन दोनों को क्लोज करके डबल टैप, और फिर बकेट की मदद से इसमें कलर फिल। और इसमें इस तरीके से कलर फिल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने सारा ऑलमोस्ट जो हमारा स्ट्रक्चर का है वो शेप तैयार कर लिया। इसमें पानी ऐड करेंगे और इन सबको एक ग्रुप में डाल देंगे। पानी में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई ले लेंगे, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ वाटर के नाम से। वाटर के नाम से रीनेम करना इसे ज़रूरी है क्योंकि इस लेयर को मैं किसी और लोकेशन पे रखने वाला हूँ। तो वाटर बनाने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं, मुझे बस मैं आपको सही बता सकता हूँ कि मुझे ये लेयर इस तरीके से चाहिए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर इसके पीछे आए और जो ये पहाड़ है इनके ऊपर आए। तो आप इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा वाटर वाली लेयर को। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल की मदद किस तरीके से लेंगे कि आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर पॉली लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली लाइन हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया था, सिलेक्शन के अंदर भी पॉली लाइन वाला ऑप्शन अवेलेबल है। सिलेक्शन टूल आप फोर्थ ऑप्शन, लेफ्ट साइड से फोर्थ ऑप्शन सिलेक्शन का है। कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्शन टूल की ही मदद लेते हैं आप। तो इसको अब मैंने ये बना दिया है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद से सीधा लाइन यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया, इसलिए मैंने शिफ्ट की इस्तेमाल किया था स्पेस का इस्तेमाल किया था सॉरी, और इसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एंड में यहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ पे राइट टैप करके मैं फिनिश कर दूंगा। लेफ्ट लेफ्ट क्लिक को मैं दो बार दबा के इसे फिनिश कर दूंगा। बकेट लूँगा और जो कलर मुझे वाटर के लिए चाहिए उस तरीके का कलर ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, तो आप ब्लू कलर के मतलब कलर वही चूज कीजिए जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। तो एक बार ये होने के बाद मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट दबाऊंगा, और कंट्रोल डी सेलेक्ट की मदद से आप जो भी सिलेक्शन आप बनाते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसे हटा सकते हैं। तब आप जब वो हट जाए तो आप उसे कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हैं उस सिलेक्शन का। तो एक बार डी सेलेक्ट करने के बाद आप इस वाटर वाली लेयर को इसकी पोजिशन आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये आपके इस डैम वाले स्ट्रक्चर से नीचे आए और इस ग्रास वाले स्ट्रक्चर के ऊपर आए। तो मैं इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास रीऑर्डर टूल रीऑर्डर लेयर का एक ऑप्शन है, तो इसकी मदद से जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये आप देख सकते हैं लेयर पॉप होने लग गया। तो इस लेयर को शिफ्ट करके नीचे लेके आ जाऊँगा और सॉइल वाली लेयर के ऊपर इस तरीके से छोड़ दूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर आ चुका है और सॉइल वाला स्ट्रक्चर इसके नीचे आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे इसके नीचे लेके जाता हूँ तो ये सॉयल वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर आ जाता है और ये ग्रास वाला स्ट्रक्चर इसके पीछे चला जाता है क्योंकि माउंटेन हमने सबसे लास्ट में रखा था, तो माउंटेन वाला स्ट्रक्चर पीछे चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि आपका माउंटेन्स बहुत छोटा लग रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं माउंटेन वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस तरीके से माउंटेन के लेयर को मैंने सिर्फ माउंटेन के ग्रुप को पकड़ा और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मुझे इसमें ट्रीज वाले ग्रुप को पकड़ना है, इसे ट्रांसफॉर्म करके
ऊपर सेट कर देना है, क्रॉस कर देता हूँ, और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हमने अभी अपने इलस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करी बनाई थी, उसमें हमने ये डैम का स्ट्रक्चर तैयार किया था। अभी हमारा डैम का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, वाटर फ्लो तैयार हो चुका है, और इसके बाद हमें ट्रांसफार्मर जनरेटर बनाना है अगले वीडियो में। अभी हम इस वाटर वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप के रिपल्स लेके आने हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के हमें रिपल्स बनाने हैं वाटर पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वाटर वाले लेयर को पहले सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्शन टूल की ही मदद से इनको इरेज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। मतलब जैसे आप सेलेक्शन टूल पर जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप ओवल टूल पर आएंगे, तो ओवल सेलेक्शन पर आएंगे, तो ओवल सेलेक्शन के लिए शिफ्ट को क्लिक करिए और ओवल की मदद से इस तरीके का एक ओवल शेप बनाइए। इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जो भी वाटर बॉडी है आपकी, और उसके ऊपर जाके सिर्फ डिलीट की प्रेस करूँगा, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वाटर के रिपल्स टाइप के आप एक शेप बना सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, और फिर स्पेस की मदद से अपने इसको पोजीशन कर लेता हूँ, और ये रहा। अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप एक बार जूम आउट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका कोई चीज़ छूटा तो नहीं है या नहीं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अभी, और हमें इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करनी है, वो हम अगले वीडियो के पार्ट में ऐड करने वाले हैं। अभी हम इसमें और दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि हमने क्या गलत किया है। देखने में सब सही लग रहा है, और अगले वीडियो के पार्ट में हम इसमें जो आप ये देख सकते हैं, जनरेटर, टर्बाइन, जितने भी ये मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन, और जो ये आप एक ये देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा बिजली का खंबा टाइप का आप देख सकते हैं, ये बनाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अगले पार्ट में बनाएंगे। तो वीडियो के इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, इस पे आप हमें अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस मेल कर सकते हैं और अपने काम भी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।